हाय गाइस, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। सब कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे JNU का फाइनल प्रोसेस क्या रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सबने अपने जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया था उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा लिए हैं, और इसी के साथ जो कैंडिडेट्स एग्जाम थे उनके भी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन साइट पर निकाला नहीं था, जो भी प्रोसेस उनका चल रहा था उन्होंने मेल के थ्रू कैंडिडेट्स को ही भेजा है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एज़ पर माय नॉलेज की मोस्ट प्रोबेबली सारे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। एक या दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक प्रोसेस जो है वो चालू नहीं हुआ है, तो वो भी इस वीक में चालू हो ही जाएगा। और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स का प्रोसेस तो चालू होकर बंद भी हो चुका है। तो कुछ जो क्वेरीज थी वो मोस्ट प्रोबेबली यही थी कि मैम खुद ही जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, या फिर हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे या फिर कमेंट सेक्शन में, तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली सबको रिप्लाई किए हैं। तो इसमें अब हम जो वीडियो है हमारा आज ही बात करेंगे कि कब तक हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा, जो कैंडिडेट परसेंटेज और परसेंटाइल को कन्वर्ट नहीं करवा पाए उनके साथ क्या लॉसेज रहने वाले हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान की जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके PhD एंट्रेंसेस की, इसी के साथ अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, RSSB का जो हमारा बोर्ड है उसके रिगार्डिंग जितनी भी भर्तियाँ होती हैं वो, जैसे संगणक का अभी मोस्ट अवेटेड आपकी भर्ती आने वाली है, और इसी के साथ हमारी RPSC की जो भी टॉप रिक्रूटमेंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इस रिगार्डिंग, यानी कि आपका अगर सेक्टर ये है कि हमें कॉम्पिटिटिव तैयारी करनी है फिर PhD वगैरह का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएं। सो हम बात करते हैं JNU की फाइनल प्रोसेस की। जैसा मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबने अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मेल रिसीव नहीं हुआ था, तो कुछ कैंडिडेट्स का तो मेल आईडी गलत थी इसलिए नहीं हुआ था, या फिर कुछ के कुछ टेक्निकल इशूज़ रहे होंगे जिस वजह से उन्हें अपने जो मेल है वो नहीं मिल पाए। हालांकि मैंने ट्राई किया था कि मैं जितने भी अपडेट्स हैं वो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू दे पाऊँ, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इस चीज़ का बेनिफिट भी मिला। अब क्या प्रोसेस रहने वाला है तो मैं आपको पहले बता दूं, प्रोसेस ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में प्रोसेस कंप्लीट हो गया है डॉक्यूमेंट सबमिशन का गाइस, उस डिपार्टमेंट में मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 दिन में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया है वो लिस्ट जारी हो जाएगी। और इनका जो प्रोसेस है, जैसा कि इन्होंने अभी करा, कोई पर्टिकुलर इन्होंने साइट पर नोटिफिकेशन नहीं निकाल कर मेल भेजे हैं, उसी तरीके से जो कैंडिडेट्स मेरिट में आएंगे ये उनको मेल भेजेंगे। हालांकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एक इंटरव्यू की बात कही थी, तो हो सकता है मेरिट के टाइम पर जब वापस अगर DV वगैरह हो या फिर फीस सबमिशन हो वहाँ पर किसी पॉइंट पर ये रिसर्च प्रपोजल आपसे ले लें, या फिर जो कोर्स वर्क के बाद होता है वो तो खैर बात अलग है, वो तो सभी को करना होता है। बट अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है जिसको लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ कर रखा है JNU ने परसेंटाइल और परसेंटेज वाले जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर, तो हम उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में अब बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, पहली बात तो ये कि जो कैंडिडेट्स एग्जाम्प्ट हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया और एग्जाम कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है उनको परसेंटाइल को परसेंटेज में कन्वर्ट करवाने की नीड है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, कि जिनका एग्जाम नहीं लगा यानी जिन्होंने एग्जाम कैटेगरी चूज़ की उनको परसेंटाइल से किस में आने की नीड है, परसेंटेज में आने की नीड है। अदरवाइज जिन कैंडिडेट्स ने जिनका नेट और GRF था उसके बाद भी एग्जाम दिया है उनको परसेंटाइल में कन्वर्ट करवाने की नीड पहली बात तो नहीं है। सेकेंड थिंग कि हम कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था NTA UGC में आपको क्या करना होगा, RTI लगानी होगी, और उसके थ्रू ही आपको क्या मिलेगा, आपका जो परसेंटाइल है परसेंटेज में मिलेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया, काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं करवाया। अब ऑब्वियसली बात है जिनको नहीं करवाया वो परेशान हो रहे हैं, बट गाइज ऑब्वियसली बात है आप लोग मुझसे इतनी सारी क्वेरीज कर रहे हैं बट मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में, आप लोग केवल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा JNU को मेल दिखा सकते हैं, और JNU भी इस रिगार्डिंग कुछ नहीं करेगा। JNU को परसेंटेज चाहिए, मीन्स चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी उसी में आएगी। परसेंटाइल ऐसी बात है कि 99-97 ऐसा कुछ रहती है, और परसेंटेज में हम बात करें तो वो कम आती है, तो वहाँ पर इक्वालिटी रहती है। अब होगा क्या, जिन कैंडिडेट्स का परसेंटाइल परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हो पाया और एग्जाम कैटेगरी है, तो अनफॉर्चुनेटली उन कैंडिडेट्स को प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको प्रोसेस में ये लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटाइल से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करवा नहीं पाए और JNU इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा, वो सीधे सीधे क्या करेगा, प्रोसेस से बाहर करेगा। तो मेन बात यही थी, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को हम यहाँ पर वीडियो से ही बता दें। तो ध्यान रखिए, जो कैंडिडेट्स परसेंटेज और परसेंटाइल वाले गेम में फंसे हुए हैं, परसेंटाइल को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करवा पाए, एग्ज़ाम नहीं दिया था एग्जाम कैटेगरी में, तो वो लोग लॉस में रहेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने अपना एग्ज़ाम दिया है एग्जाम कैटेगरी में होने के बावजूद भी, एग्जाम कैटेगरी मीन्स अगर उनका नेट GRF है फिर भी उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों के लिए सेफ जोन है, उनको परसेंटाइल को परसेंटेज में कन्वर्ट करवाने की कहीं भी नीड नहीं है।
तो मेन बात यही थी, वापस एक बार रिपीट कर दूँ, क्योंकि कैंडिडेट्स सुनते पूरा नहीं है और बार बार वही बातें पूछते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स को अभी भी लगता है कि हम अपने परसेंटाइल को परसेंटेज में कन्वर्ट करवा दें, तो ऑनलाइन RTI आपको लगानी पड़ेगी NTA UGC में, जिसका प्रोसेस आप अदर किसी यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। वैसे कुछ खास बहुत ज़्यादा टिपिकल होता नहीं है, और वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, JNU का नोटिफिकेशन उनको दिखा सकते हैं, अगर वो कंसिडर करते हैं तो ठीक है, आपका जो परसेंटेज है वो लोग प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके थ्रू आप खुद भी अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस जो फाइनल रहने वाला है, हालांकि मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनके पास मेल आ जाएगा। अब वन मोर थिंग गाइस, जिस भी डिपार्टमेंट के मेल आना स्टार्ट हो, प्लीज़ आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं ही, तो आप मुझे वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं और कैंडिडेट्स को अपडेट कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बात है कि इन इशूज़ में रहते हैं कि मैम रिजल्ट आया नहीं आया। अब ये तो है नहीं ना कि जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे सब सेलेक्ट होंगे, ऑब्वियसली बात है कुछ ही लोग जितनी सीट्स हैं वो लोग सेलेक्ट होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि JNU अलग से कोई नोटिस नहीं निकालने वाला, वो मेल ही भेजेगा। तो उस मेल को आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, नंबर वैसे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अदरवाइज मैं फिर भी यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो 9166155206 मेरा नंबर है, तो आप जैसे ही किसी कैंडिडेट पास मेल आए तो गाइस मुझे शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं उसे टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ और व्हाट्सएप स्टेटस पे और भी कैंडिडेट्स को हम इस चीज़ को बता सकें कि रिजल्ट आ गया है। और इसी के साथ इंटरव्यू का अभी तक भी जो JNU है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक क्लियर किया नहीं है। और रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स तो इंटरव्यू के पहले भी नहीं थे, एक जनरल सा इंटरव्यू में भी हो सकता है कि वो केवल एक रिसर्च प्रपोजल के पर्पज से ले लें, तो वो कोर्स वर्क के बाद भी हो सकता है एज़ पर माइन नॉलेज के वो लोग ऐसा कर सकते हैं, हालांकि वो पहले भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप एंड विश कि आपकी जो छोटी मोटी क्वेरीज थी, क्योंकि अब मेजर क्वेरीज रही नहीं है, तो वो क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट अगर कमेंट सेक्शन में आपने ऐसी कोई बात पूछी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं वहाँ पर भी ये सजेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखें। और इसी के साथ RU का जो कन्फ्यूज़न था, यहाँ पर मैं एक और वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर JNU वाले वो हैं जो RU में भी अप्लाई करेंगे। तो RU की एक सिंडिकेट की मीटिंग होने वाली थी 1 मई को, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि 1 मई को एक मीटिंग हो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी रीजंस की वजह से पोस्टपोन हो गई है। अब जब भी वो मीटिंग होगी तो अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और जैसे ही वो मीटिंग होती है गाइज, वहाँ पर नए रूल्स या पुराने रूल्स RU के जिन पर भी अप्रूवल लगेगा, उसके बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर ये मीटिंग मई में ही वापस हो जाती है, तो आप मान के चलिए मई लास्ट या फिर जून में चांसेस अब वापस बन रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए, अदरवाइज़ जुलाई अगस्त में आने के पूरे पूरे इसके चांसेस हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत जल्दी आपके लिए मैं कुछ लेकर आने वाली हूँ चैनल पर, स्पेशली फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द कॉमर्स। तो आप लोग चैनल के साथ अपडेटेड रहें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तीनों पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ JNU का, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा MPET 2022 के रिगार्डिंग, यानी कि 2023 है उसके रिगार्डिंग ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद जब आपका रिजल्ट्स आएंगे उनको मैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू ही कैंडिडेट्स को बता दूंगी। अब हम नई वीडियो जो भी मिलेंगे वो आपके अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगी, या फिर जो आपके टॉपिक्स हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं उनसे रिलेटेड होगी। सो ध्यान रखिएगा अपना, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।